दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में हार के बाद गुस्से में गौतम गंभीर ने किया टीम में चार बड़े बदलाव। गौतम गंभीर ने भारतीय टीम में कराई चार खतरनाक और भूखे खिलाड़ियों की वापसी, जिसे देख थर थर कांपने लगी श्रीलंका की पूरी टीम। तीसरा वनडे मुकाबले में होगा महाघमासान। एक तरफ भारत के चार भूखे शेर दिखाएंगे अपना दम और लेंगे बदला, तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की टीम तीसरे मुकाबले को जीतकर वनडे सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दूसरे वनडे मुकाबले में हार के बाद गौतम गंभीर बहुत ज्यादा गुस्से में है, और गुस्से में आके गौतम गंभीर ने भारतीय टीम में चार बड़ा बदलाव किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। क्योंकि गौतम गंभीर ने टीम में चार ऐसे खिलाड़ियों की वापसी करवाया है जो मैदान पर जाने के बाद सिर्फ कोहराम मचाते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं कि गौतम गंभीर ने कौन कौन सा चार बड़ा बदलाव किया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 4 अगस्त को आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की तरफ से कमिंदु मेंडिस और अभिस्का फर्नांडो दोनों ने सबसे ज्यादा 40-40 रन बनाए। वहीं भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट, तो वही अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया, जिसके बाद श्रीलंका की टीम 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 240 रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल रही। उसके बाद 241 रनों के लक्ष्य को चेज करने के लिए भारतीय टीम मैदान पर उतरी, तो भारत की शुरुआत काफी शानदार रहा। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी किया। भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 64 और अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। वहीं श्रीलंका की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जेफ्रे भांदरसे ने भारत के 6 विकेट चटकाए, जिसकी वजह से भारतीय टीम 42.2 ओवर में ऑल आउट हो गई और सिर्फ 268 रन ही बना पाई, और श्रीलंका की टीम इस दूसरे वनडे मुकाबले को 32 रनों से जीत लिया। जिसके बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर बहुत गुस्से में दिखाई दिए, और गौतम गंभीर ने गुस्से में भी भारतीय टीम में चार बड़ा बदलाव किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जान लेते हैं कि वो कौन से चार बड़े बदलाव हुए हैं, और बदलाव के साथ कैसी होगी भारतीय की नई प्लेइंग 11। तो दोस्तों, इसमें नंबर 1 पर खुद कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा ने पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में काफी शानदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, श्रीलंका के खिलाफ हुए पिछले वनडे सीरीज के पहले मैच में ही रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया था, और रोहित शर्मा का वनडे में जो 264 रनों का स्कोर है, वो इसी श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा ने बनाया था। यानी रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 2 पर मौका मिला है युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को। दोस्तों, शुभमन गिल शानदार अंदाज में ओपनिंग करने के लिए जाने जाते हैं। वनडे में गिल के आंकड़े काफी अच्छे हैं, इसलिए गिल को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए टीम में चुना गया है। इसके बाद नंबर 3 पर मौका मिला है रन मशीन विराट कोहली को। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली को फिर से तीसरे वनडे के लिए टीम में शामिल किया गया है। हालांकि विराट ने पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के लिए कुछ खास नहीं किया है। आप सभी को बता दें, श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली के आंकड़े शानदार है। विराट कोहली हर तीसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाते हैं। रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली भी T20 वर्ल्ड कप विजेता बनने के बाद छुट्टी पर थे, लेकिन फाइनली अब रोहित और विराट दोनों की वापसी हो गई है। दोस्तों, नंबर 4 पर मौका मिला है केएल राहुल को। जी हाँ दोस्तों, आपका बता दें, केएल राहुल का भी शानदार प्रदर्शन रहता है वनडे में, इसीलिए वनडे में वापसी हो रही है। केएल राहुल वनडे फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर माने जाते हैं। आपको बता दें, केएल राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में शानदार 80 रन की पारी खेली हुई है, और वह मैच विनिंग पारी थी। केएल राहुल लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, उनको T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब उनको श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के मुकाबले में टीम में मौका मिला है। इसके बाद नंबर 5 पर खेलते हुए नजर आएंगे ऋषभ पंत जी। जी हाँ दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में 2 विकेट कीपर को शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम तो केएल राहुल का था और दूसरा नाम ऋषभ पंत का है। आपको बता दें, ऋषभ पंत वनडे के इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं माने जाते। पंत ने भारत के लिए अभी तक कुल 30 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें उन्होंने अभी तक कुछ खास नहीं किया है, लेकिन हाल ही खेले गया T20 में। उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा था, हालांकि वो T20 था और ये वनडे है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि ऋषभ पंत अब भी फॉर्म में चल रहे हैं, जिसकी वजह उन्हें टीम में शामिल किया गया है। इस बार कोच और भारतीय टीम को पंत बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि पंत कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 6 पर मौका मिला है श्रेयस अय्यर को। जी हाँ दोस्तों, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर
दिए थे, लेकिन आईपीएल में चैंपियन बनने के बाद और कोच बनते ही गौतम गंभीर ने वापसी करा दी है। श्रेयस अय्यर की बातें करें तो वैसे श्रेयस अय्यर काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। वनडे फॉर्मेट के उनका एवरेज 50 से ज्यादा का रहता है। ऐसे में सभी भारतीय फैन चाहेंगे कि श्रेयस अय्यर तीसरे वनडे मुकाबले में एक लंबा और बेहतरीन पारी खेले, इसके बाद नंबर 7 पर खेलते हुए नजर आएंगे हार्दिक पांड्या जी। हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड के बाद वनडे सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या को भी टीम मर मौका मिला है। दोस्तों, श्रीलंका दौर से पहले तो ये चर्चा थी कि रोहित शर्मा के T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने के बाद हार्दिक ही भारत का अगला T20 कप्तान होंगे, लेकिन कप्तान सूर्या को बना दिया गया क्योंकि सूर्या T20 फॉर्मेट ही खेलेंगे लेकिन हार्दिक सारे फॉर्मेट में खेलेंगे। ऐसे में इस वनडे सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले में हार्दिक को टीम में शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में काफी शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में भारतीय फैंसों को एक बार फिर से हार्दिक पांड्या से वैसी ही प्रदर्शन की उम्मीद है। वही दोस्तों नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आएंगे ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। जब भी उनको मौका मिला है उस मौके का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है और जब गेंदबाजी आती है तो अच्छा करते हैं और बल्लेबाजी भी अच्छा कर लेते हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत का सबूत इस साल हुए T20 वर्ल्ड कप में दिया है। अक्षर पटेल इस हुए IPL से ही फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने IPL में भी काफी शानदार प्रदर्शन किया था, T20 वर्ल्ड कप भी शानदार प्रदर्शन किया और अब बारी है श्रीलंका वनडे सीरीज की। अब देखना है कि अक्षर पटेल अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से क्या कमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 9 पर खेलते हुए नजर आएंगे मोहम्मद सिराज। जी हां दोस्तों, T20 में तो मोहम्मद सिराज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन अब वनडे की बारी आ चुकी है। अब देखते हैं वनडे में कैसा प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में सिराज से एक बार फिर वैसी ही खतरनाक गेंदबाजी की उम्मीद है। इसके अलावा नंबर 10 पर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कुलदीप यादव एक खतरनाक स्पिनर गेंदबाज माने जाते हैं। कुलदीप यादव ने श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में 5 विकेट ले चुके हैं। अब देखते हैं 3 वनडे मैच में कैसा प्रदर्शन करते हैं। वही दोस्तों नंबर 11 पर मौका मिला है तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप की बात करें तो अर्शदीप सिंह T20 में तो काफी खतरनाक गेंदबाज है। तो दोस्तों ये रहा तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारत की सबसे खतरनाक और घातक प्लेइंग 11। वही बात करें इस तीसरे वनडे मुकाबले की टाइम टेबल की, तो दोस्तों इस वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 7 अगस्त को आर प्रेम दासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में होगी। आप सभी को बता दें मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे से होगी और इस मैच को आप सोनी लिब ऐप पर देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है यह मुकाबला कौन जीतेगा, भारत या श्रीलंका? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।